जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ, किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। खारगे जी, खारगे जी, वेणुगोपाल जी, सोलांकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम अहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, रंधावा जी, कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीन कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है, जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। कभी कभी आप
किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती है। तो कल रात मैं खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी मतलब वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो उनको वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी, तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। दो तीन और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पर उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। मगर एक बात बदल गई है, और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं नहीं नहीं
राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे।